आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर पर। जिला कांगड़ा के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले T20 मैच के ठीक आधा घंटा पहले इतनी जोर से बारिश हुई कि पूरा स्टेडियम पानी से लबालब भर गया, जिसे सुखा पाना नामुमकिन लग रहा है। और ऐसी स्थिति में यह मैच बारिश की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर बारिश रुक जाने के बाद मैदान कुछ हद तक सुखा लिया जाता है तो शायद नियमानुसार 5-5 ओवर का मैच खेला जा सकता है। कि यहां से दर्शकों की एंट्री है और यही पानी का पूरा तालाब बन गया है। लोग यहां पहुंच तो रहे हैं लेकिन उन्हें मैच क्रिकेट मैदान के अंदर तक जाना जो है वो मुश्किल बन गया है। पूरा रास्ता जो है वो तालाब बन गया है, पानी से भर गया है और अब जुगाड़ कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। मैं आपको दिखा दूं ये तस्वीरें कि किस तरह से जहां से दर्शकों को क्रिकेट प्रेमियों को एंटर करना है वो रास्ता पूरा तालाब बन गया है। गिरते ढहते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं, चुनौती बन गया है। क्रिकेट का जुनून आप देख सकते हैं, इन लोगों में क्रिकेट का जुनून ही है जो इन लोगों को यहाँ खींच कर लाया है। बारिश में आप देख रहे हैं महिलाएं भी हैं, इनमें भी कितना जुनून है, जोश है क्रिकेट के प्रति। कोई अच्छा सा अरेंजमेंट नहीं है HPCA का, लेकिन व्यवस्थाओं से बहुत नाराज हैं दर्शक। क्रिकेट ये वाला बैरिकेड खोल सकते हैं सबके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये वाला बैरिकेड आप खोल सकते हैं ताकि लोग इजीली जा सकते हैं एंट्रेंस में। मैच से आधा घंटा पहले हुई बारिश के कारण स्टेडियम के बाहर भी काफी पानी जमा हो गया और क्रिकेट प्रेमियों को काफी परेशानी और निराशा का सामना करना पड़ा। इंदौरा जिला कांगड़ा से आपका चैनल के लिए गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।